उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दलित समुदाय के 50 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने का ऐलान किया है। इनका आरोप है कि योगी सरकार में दलितों पर अत्याचार हो रहा है और इसलिए वो इस्लाम अपनाने जा रहे हैं। अपने घर में रखे देवी देवताओं की प्रतिमा को नदी में विसर्जित करने के लिए ले जाते ये लोग दलित समुदाय के हैं। इनका आरोप है कि सहारनपुर और संभल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दलितों पर अत्याचार किया है, जिसके बाद इनका बीजेपी और हिंदू धर्म से मोह भंग हो गया है। सहारनपुर की है, वहाँ भी यही हुआ है कि भाजपा वालों ने गोली चलाई। दूसरा संभल थाना बैजोई ग्राम समसोई में 7 दुकानें थी बालवरों की, बालवर बाल काटने को तैयार थे, लेकिन इन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बाल उन पर दबाव बनाया पंडित ठाकरों ने कि तुम देखो इनके बाल काटोगे तो हम नहीं काटेंगे, तुम दुकानें बंद कर दो। जाके दुकानें बंद करा दी। आज भी हमारे वहाँ के लोगों की दाढ़ियां बढ़ी हुई हैं। हम मुसलमान जैसे लग रहे हैं तो क्यों ना हम और किसी धर्म में चले। दलित समुदाय के इन लोगों का कहना है कि इन्हें केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार से काफी उम्मीद थी, लेकिन अब ये दोनों सरकारों को दलित विरोधी करार दे रहे हैं। योगी जी का मोदी जी का सपना है ना कि मंदिर भी बनाएंगे, और हम कह रहे हैं हम आएंगे और बाबरी मस्जिद भी बनाएंगे। दलित समुदाय के इस बगावती तेवर की खबर पाकर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता इनको मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये लोग हिंदू धर्म छोड़ने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।